Bande Guru Padadandam Bhaktabindasamannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoham Vāñcā kalpataru vasya kipāsindhu bhavacha Patitānaṁ pāvanebha vaiṣṇavebhyo namo namah Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅgum laṁ haiti giram Yat kipātamahaṁ vande paramānanda madhavam Vṛndāvai tulsi devai piyāvai kesava saca Sna bhakti pade devi sattva vattvai namo namah Narayana namaskritta naram caiva narottama Deving saraswati vyasam tato jayo mudire Sankirtane krishna katho padeshe Gauriya patrasya prakasa necha Sadanurakta guru bhakti yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varanya Deyam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Tethas Padam Seva Virinchinutam Saranyam Vitatiham Panutabal Bhavatiputam Bande Mahapurusate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chatai Bhishwarjita kimapikapavadushvadarshi Purnanu rāgara sasāgara sāramuti Sārādhikāmai kadākipāṁ karvashi Sri Krishna Chaitanya Prabhunitānanda Sri Advaita Gadādhara Sivasadihi Gaura Bhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Prabhunitānanda Sri Advaita Gadādhara Sivasadihi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ajānulambita bhujau kanukā budātu Saṅkirtanai tanaikavitaru kamalāyatākṣu Vishāmbaru dijavaru yugadharma pālu Bande yagat priyakaru karunā bhutāru Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Namami Gange Tava Padu Pankajam Sura surair bandito dibharupam Bhuktin cha muktin cha dadasinitam Bhavan rupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tavam bhagam Narayano Priyamananga Madhapaharam Varanasi Vaishnatham Vagisha Jushvadane Lakshmir Yasacha Vakshasi Yasyasthi Hidaya Sambhid Tvam Nishingamham Bhaji Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम राम भयं प्रमत्तस्य वनेषु पिशाच भयं प्रमत्तस्य वनेषु पिशाच यतः शास्ति सहस्रतपत्न्या जितेन्द्रियस्वात्मरतिर्बुधस्य संसारबन्धन किन्नु करोति अवद्याम। भयं प्रमत्तस्य वनेषु पिशाच ईशा भयं प्रमत्तस्य वनेषु पिशाच यतः शास्ति सहस्रतपत्न्या जितेन्द्रियस्वात्मरतिर्बुधस्य संसारबन्धन किन्नु करोति अवद्याम। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, भोग और त्याग दोनों ही गौड़ीय विचार के अनुसार परित्याज्य। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, भोग और त्याग श्रीमन महाप्रभु भोग और त्याग ये दोनों को ही वर्जित करने के लिए बताया, वर्जन करने के लिए बताया। चक्षु कर्ण नासिका के द्वारा ये जड़ जगत का जितना सारे रूप रस शब्द स्पर्श गंध सब ये जड़ों इंद्रियों के द्वारा चक्षु कर्ण नासिका के द्वारा जड़ जगत का रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये ग्रहण करना इसका नाम ही भोग है। एंजॉयमेंट का स्वरूप विचार करो तो इसका गहरा में जाने से यही पता चलेगा जो पंच तन्मात्र जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंधो तमाम एंजॉयमेंट का यही फंडामेंटल चीज है। जहाँ जितना भी एंजॉयमेंट है मटेरियल जगत में फंडामेंटल ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधो है ये फंडामेंटल चीज है। किसी तरीका से हो जैसे भी हो ये सब चीज ही भोगने का विषय है। ये भोगने में एंजॉयमेंट में तात्कालिक सुख का क्वेश्चन जरूर है। ये भोग विलास में मेटेरियल जगत का जो एंजॉयमेंट है इसमें तात्कालिक अपेक्षिक और क्षणिक फॉर द टाइम बीइंग सुख रहने से भी एक सेंसुअल एंजॉयमेंट जरूर हो। ये सेंसुअल एंजॉयमेंट जरूर है, नहीं तो दुनिया पागल है कि क्यों इसलिए इसका पीछे क्यों दौड़ रहा है। जरूर कुछ एंजॉयमेंट है लेकिन अंतिम में दुखदायक है ये किसी को पता नहीं। जदग्र अमृतपम परिणामे दुखमेव जदग्र अमृतमम परिणामे दुखम। पहले अमृत जैसा लगता है आनंद और बाद में जाकर दुखों का सागर में डाल देते हैं। इसीलिए भोग से ये मेटेरियल जगत में इसीलिए भोग और त्याग का विचार किया जाए। ये जड़ जगत में भोग से त्याग अर्थात डिटैचमेंट का ऑनर ज़्यादा है, सम्मान। इसीलिए भोग से त्याग का आदर सम्मान ज़्यादा है। वैराग्य बहुत अच्छा है, जो जितना वैराग्य कर सके उसका उतना ही सम्मान है। नंगा बाबा, धुनी बाबा, दूध पीता बाबा, एक आहारी बाबा, फलाहारी बाबा, धुनी बाबा, बहुत सारे एक एक स्वरूप बना के बैठा है मायावादी। ये मायावाद का ही तरह तरह का ढोंग एक एक ढोंग रचा के बैठा हुआ है। मायावाद का ही तरह तरह का ऐसा रंग रूप लेकर बैठा हुआ है। इसमें वास्तव वैराग्य बोल के कुछ है नहीं, मेटेरियल वैराग्य है।
वास्तव वैराग्य भगवान में भक्ति होने से, भगवान से प्रेम होने से स्वाभाविक रूप में जो विषय का छुटकारा हो जाता है, विषय में आकर्षण होता नहीं, इसी को वास्तव वैराग्य बोला जाता है। काल भी इस विषय में चर्चा हुआ, जो जोर जबरदस्ती विषय को छुटाने के लिए दिखा रहा है, दिखावा है, इसके लिए त्रिगुण जय संभव नहीं, एक गुणातीत भूमिका में बिल्कुल गया नहीं, ये नाटकबाजी कर रहा है। गुणातीत भूमिका में जाने का ये लक्षण नहीं है कि जोर जबरदस्ती हम विषय को छोड़ने का, छुड़ाने का जो दिखा रहा है वैराग्य, इसमें क्या होता है और खतरा है, क्योंकि बाहर में विषय से दूर रहने का बावजूद अंतर में विषय का खिंचावट है। विषय विषय स्थूल रूप में रह सकता है और विषय सूक्ष्म रूप में भी रह सकता है। विषय का रहना, विषय स्थूल रूप में रह सकता है और विषय सूक्ष्म रूप में भी रह सकता है। विषय का स्थूल रूप में रहे ये तो ठीक है, चलो, लेकिन सूक्ष्म रूप में विषय रहे, बाहर में विषय नहीं है, वो सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा डेंजरस है। बाहर में विषय रहना, अंदर में वैराग्य रहना, ये ठीक है, ये तो संभव ही नहीं है, असंभव है, बड़ा ऊंचा विचार है ये। अगर किसी का हुए, बाहर में विषय है, अंदर में पूरा वैराग्य, भगवान के लिए प्रेम है, और बाहर में विषय नहीं है, अंदर में वैराग्य, अंदर में बाहर में विषय नहीं है, अंदर में विषय है, वो और खतरा है, डेंजरस है। इसका व्याख्या प्रभुपाद जी ने किए हैं, ये जड़ जगत में, ये जड़ जगत का विचार का अनुसार ये मायावादी का विचार है। बहुत दिन पहले जीव तत्वों का विचार का प्रसंग में ये बात उठाया था। एक जगह हमारा कलकत्ता का दक्षिण में एक जगह एक साधु रहते थे, और ये साधु अपना शिष्य को पूछते हैं, तैने साधु किया, शादी किया कि नहीं किया? बोला हाँ किया। अरे शादी कर लिया? अच्छा अच्छा ठीक है। और इसका बाद, अच्छा तुम्हारा कोई संतान है कि नहीं? बड़ा डर के मारे प्रश्न कर रहा है। बोला हाँ ऐ जा। मैंने ये लोगों का विषय वैराग्य का ऐसा चीप स्टैंडर्ड है, ये मायावादी है, ये भक्ति का कोई स्वरूप के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन पूरा दुनिया में इसका ही नाम है, इसी का नाम माया का जगलरी, पूरा विश्व में इसका ही नाम है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, भक्ति में ठाकुर, इसका नाम तो ठीक है, चलो आजकल थोड़ा प्रचार हुआ, थोड़ा बहुत आदमी जानते हैं, लेकिन एरो का कर्मी लोगों का मायावादी का विचार इतना फैल गया, दे लाइक कैंसर, किसी को समझाने जाए तो संभव नहीं। ये बायसनेस ऐसा बैठा हुआ हृदय में, ये लोगों का वैराग्य का यार्डस्टिक, ये लोगों का वैराग्य का यार्डस्टिक स्टैंडर्ड है, शादी किया कि नहीं किया, और संसार में रहता है कि नहीं है, और संतान है कि नहीं, ये सब इस लोगों का स्टैंडर्ड है। मतलब ये लोग मायावादी है, ये लोगों का अंदर में विषय भक्ति का विषय में कुछ आइडिया नहीं है, बिल्कुल कुछ जानता नहीं, और ABCD भी जानता नहीं। भक्ति का जो ABCD एकदम प्राइमरी ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन ये लोगों का ही सम्मान है, जड़ जगत का माया देवी का यही यही मजाक है, खेला।
हमारा महाप्रभु का संप्रदाय, महाप्रभु का जो पार्षद है, इन पार्षदों में कितना आदमी का यू नो शिवास पंडित, बक्केश्वर पंडित, शिवास पंडित, फिर शिवास पंडित से लेकर बहुत भक्तिमूर्त ठाकुर, गौर पार्षद, बहुत शिवानंद सेन, ये बाहरी दृश्य में गृहस्थी हैं, लेकिन अंदर में इतना वैराग्य है जो वैराग्यों का साथ किसी का वैराग्य तुलना किया नहीं जाएगा, इतना वैराग्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये लोग मायावादी हैं, शुद्ध भक्ति का बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये लोग भोग और त्याग ये दोनों का विचार करने जाए तो त्याग को बड़ा सम्मान देते हैं। जो त्यागी है, त्यागी ये महाराज एक दफे दिव्या गोवर्धन परिक्रमा का मार्ग में देखा, महात्यागी जी महाराज का आश्रम देख के इतना हंसी आ गया, महात्यागी जी महाराज का आश्रम, महात्यागी, त्याग भी करे तो क्या त्याग करे, कुछ चीज तो हमारा है नहीं, जो चीज हमारा है उसको त्याग करने का क्वेश्चन आ सकता, दुनिया में कोई चीज हमारा है नहीं, ये बात समझता नहीं, बेसिक चीज, दुनिया में कोई भी चीज मेरा नहीं है, यहां तक कि मेरा शरीर भी नया मन मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा मन भी मेरा नहीं है, ये प्रकृति का मेटेरियल माइंड बुद्धि, ये जगत में कोई चीज मेरा नहीं है, एक भी चीज, तो जो चीज मेरा नहीं है उसको त्याग करने का क्या क्वेश्चन कहां से आता है, जो चीज मेरा है ही नहीं उसको त्याग करे कैसे त्याग करे, मेरा बोल के जो एक चीज अगर कोई बोलना चाहे तो एकमात्र भगवान, ये पक्का, कोई अगर बोले मेरा है तो मेरा बोल के एक ही चीज है, ये भगवान है, ये काटने पीटने से भी जलाने से भी ये जो संबंध है ये जुदा नहीं कर सकता, हमारा जो नित्य संबंध है जुदा नहीं कर सकता। तो इस जड़ जगत में भोग से बढ़कर त्याग का सम्मान है, भोग का सम्मान नहीं है त्याग, वैराग्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग जानते नहीं वैराग्यों का, ये जो वैराग्यों का ये जो विषय है इसमें ये नहीं, ये तत् और असत, तत् और अतत् वस्तु, वैराग्य में मायावादी विचार में वैराग्य में तत् और अतत् वस्तु का निरस, तत् वस्तु का निरसन हो, अतत् वस्तु का निरसन करके तत् वस्तु में, तत् वस्तु का विचार में उतारना है, अतत् वस्तु का निरसन करके एलिमिनेट करके अल्टीमेटली तत् वस्तु का विचार में प्रतिष्ठित, ये लोग का ये लेके ये विचार लेके आगे बढ़ता है, लेकिन तत् अतत् ये नेति नेति न एतत्, ये तत् वस्तु नहीं है अतत् है, ऐसा करते करते नहीं तत् नहीं तत् नहीं तत् नेति नेति नेति, ऐसा करते करते परमेश्वर भगवान को भी त्याग करके रखा है, इससे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है, ये जरूर महात्यागी जी महाराज, इसका नाम ही पड़ेगा महात्यागी जी महाराज, क्योंकि ईश्वर नाम का जो परम संपत्ति है जीवों का इसको भी काट के रख दिया, त्याग करते करते नेति 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 ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते करते अल्टीमेटली परमेश्वर को भी काट के फेंक दिया, बोले ये नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो त्याग का प्रसंग है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये भोग का ही ऑपोजिट डायरेक्शन, एक तरफ भोग है एक तरफ त्याग है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो वैराग्य ये जो ये सब त्याग त्याग करने का जो विषय है ये भोग का ही दूसरा एक फेस, अनदर फेस अभोग का, ये जगत को जो लोग मिथ्या बोल के विचार कर रहे हैं मायावाद विचार ये है, वेदांतों में बिल्कुल इसको कोई स्थान नहीं दिया गया,
वेदांतों में इसका कोई स्थान नहीं है। वेदांतों में बताया गया जगत मिथ्या, कौन बोल रहा है, किसका हिम्मत है ये बोले जे जगत मिथ्या है, किसका हिम्मत है जगत को बोले मिथ्या है, मायावादी बोलता है। ये लोगों का विचार सरासर गलत है, क्योंकि इसमें परात्पर अखिलेश्वर भगवान का जो शक्ति है, शक्ति का अपमान होते। ये विचार में भगवान का जो शक्ति है, शक्ति परिणति है, ये जगत है। तो जगत को अगर झूठा साबित करने का कोशिश करे तो इसमें क्या होता, सर्वशक्तिमान भगवान का सृष्टि शक्ति का अस्तित्व, भगवान का सृष्टि शक्ति का ये इनकार कर देना, भगवान का सृष्टि शक्ति का अपमान करना, यही हुआ। क्योंकि ये जगत जो है शक्ति परिणति, ब्रह्म परिणति नहीं है, ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ ये ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन भगवान का शक्ति का परिणति है ये ठीक है। लेकिन मायावादी इसको अस्वीकार करते हैं। लेकिन वेदांतों का सिद्धांतों के अनुसार विश्व सत्य है, लेकिन विश्व का जितना सारे चीजें हैं, वस्तु हैं, ये नित्य नहीं है, नश्वर धर्मयुक्त, आज है काल नहीं भी रह सकता, अनित्य है। लेकिन विश्व झूठा है, विश्व सपना जैसा है, ये कभी नहीं। भोग करने का रास्ते में जो लोग भोगी हैं, भोग करने का रास्ते में जैसे भगवान का संपर्क और भगवान का अस्तित्व जो है, इसको अस्वीकार करने का टेंडेंसी आता है। जैसे कंस भोगी है, कंस चाहता है कि भगवान बोल के कुछ चीज़ नहीं रहे, कृष्ण को उड़ा दो, कृष्ण रहने से समस्या है, हमारा सर का ऊपर कोई नहीं रहेगा देखने वाला, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। भोगी के हिरण्यकशिपु का विचार है, ये मायावादी का विचार। त्याग भी दूसरा तरीका से विचार करो, त्याग के रास्ते में भी भगवान का जितना सारे तमाम सेवा का उपकरण है, आइटम है, ये विश्व भगवान का सेवा का उपकरण है, लेकिन इसको अवज्ञा करना, इसको अपमान करना, इसको अस्वीकार करना, ये मायावादी का काम है। ये त्यागी भोगी या त्यागी दोनों ही भगवान को सम्मान देना नहीं जानता। ये विश्व जो है भगवान का वैभव है, और रूप रस आदि ये चुखो इंद्रिया आदि ये जो ये इंद्रियों के द्वारा भोगने का वस्तु है, इंद्रियों वर्ग का जो विश्व, और ये विषय से इंद्रियोग्राम कभी नहीं हटना चाहता है, मन और इंद्रियोग्राम विषय से हटना चाहता है, हटना नहीं चाहता है बिल्कुल। बाहरी दृष्टि में वैरागी बन के इंद्रियो संयम दिखाने से कुछ होता नहीं, बाहरी दृष्टि में वैरागी बन के और इंद्रियोग्राम को संयम करके ये जो नाटकबाजी है, ये बड़ा भयंकर चीज है, ये ठीक नहीं है। बाहरी दृष्टि में विषय को हटाना चाहिए, अंतर में विषय है। भयम प्रमत्तस्व वनेश्यो पिशा, जो पंचम स्कंद में मनुजी महाराज जी को ब्रह्मा जी ने बताए, भयम प्रमत्तस्व वनेश्यो पिशा, बेटा तुम जंगल में जाना चाहते हो, लेकिन जंगल में एकांत में जाओगे तो तुम्हारा मन और इंद्रियो ग्राम सब तो तुम्हारा साथ ही जाएगा, इसको तो छोड़ के जा ही नहीं सकता। और जब जंगल में जाओगे तुम्हारा बाहर में विषय नहीं रह सकता है,
लेकिन अंदर में हर हालत में विषय रह सकता, क्योंकि सूक्ष्म रूप में विषय का उपस्थिति सबसे बड़ा डेंजरस चीज है। मन में ये धोखेबाजी है। बहिरिंद्रिय संयम जो अंतरास्ते स्मरण, जो बाहर में इंद्रियोग्राम को संयम करके अंदर में विषय भोग का लालसा रख पोषण करते हैं। मिथ्याचारो स उच्चते, इसको मिथ्याचार बोला, भगवान बोला ये झूठा कहीं का चीटर है। मिथ्याचारो स उच्चते, मिथ्याचार बोला गया, भगवान बोला ये झूठा है। तो ये जो चर्चा हो रहा था गीता का, त्रिगुण से परे हो जाना, त्रिगुण का प्रभाव से बाहर जाना, इस विषय का चर्चा होते होते यहाँ प्रभुपाद जी का एक चर्चा हो रहा है। और भक्तों लोग क्या करता है, ना तो भोग ना तो त्याग, दोनों में एक का भी कोई इज्जत नहीं देते हैं, ये भगवान का सेवा में लगे रहते हैं। भक्तों विषय में अनाशक्त होने का बावजूद यथा योग्य भोग नहीं तथा रोग, प्रभुपाद जी ने लिखा है, यथा योग्य भोग शरीर को रक्षा करने के लिए जितना जरूरी है उतना विषय को स्वीकार करके और भजन करते रहना, ये युक्त वैराग्य का ये सबसे बड़ा गहरा रहस्य है। भोग व त्याग प्रभुपाद कहते हैं, ये भोग व त्याग दोनों का एक भी आत्मा का वृत्ति नहीं है। भोग करना या त्याग करना दोनों में एक भी आत्मा का वृत्ति नहीं है, आत्मा का साथ इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन भक्ति जो है आत्मा का वृत्ति है। भक्ति मतलब भगवान के लिए कुछ करना, भगवान के लिए अनुकूल कुछ करना जिसमें भगवान प्रसन्न हो जाए, इसका नाम भक्ति। यह आत्मा का वृत्ति है, आत्मा का नित्य वृत्ति है। ऐसा करके भोग और त्याग दोनों को ही शुद्ध वैष्णव लोग जो है इसको फेंक देते हैं और युक्त वैराग्य का जो विचार है इसके अनुसार भगवान का सेवा करते रहते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है, ऑटोमेटिक इसके द्वारा ऑटोमेटिक गुणातीत भूमिका में जा सकता है। काल भी ये चर्चा हुआ, ये गुणातीत भूमिका में जाना संभव नहीं है। सारे क्वेश्चन आंसर अर्जुन का क्वेश्चन के द्वारा आंसर भी दे दिया, पूरा एक एक करके उत्तर। जब तक ये शरीर रहे, जब तक ये दुनिया में रहे हम, तब तक संभव नहीं है कि त्रिगुणातीत भूमिका में जाए, लेकिन संभव है। त्रिगुणातीत भूमिका में जरूर संभव है जाना। ये सोचेगा, तात्पर्य ये है, ये अनुभव में लाना जरूरी है, मेरा ये शरीर, मेरा ये मन, ये प्रकृति है और प्रकृति का अपना का क्रियाक्रम चल रहा है। मेरा ये शरीर मन बुद्धि इसका चालक प्रकृति है और प्रकृति का काम चलते रहे, इसमें कोई मेरा नुकसान नहीं है। शरीर का काम शरीर करे, मन का काम मन, क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा परिचालित है, लेकिन मैं इसमें निर्लेप भूमिका में रहता हूँ। मैं आत्मा हूँ, चिन्मय, मैं अकर्ता हूँ, मेरा डुअरशिप नहीं है, मेरा कर्तापन नहीं है, मैं उदासीन रहूँ, साक्षी रहूँ। आई बात समझ में? प्रकृति का क्रियाक्रम प्रकृति कर रही है,
इसमें मेरा क्या आता जाता है? मैं करता नहीं अकर्ता हूँ, उदासीन हूँ, साक्षी रूप में रहता हूँ, ही देखते रहता हूँ। ये अवस्था के द्वारा गुणातीत भूमिका में होना, गुणातीत भूमिका में जाना संभव है साधु के लिए। लेकिन सच पूछो, जब तक लिंगो देहो लिंगो शरीर का रैप्चर ना हो जाए, तब तक परिपूर्ण रूपे ये प्रकृति का एकदम बिल्कुल बाहर जाना संभव है। ये टेक्निक है जिसके द्वारा ये प्रकृति जगत में रहते हुए भी गुणातीत भूमिका में रह सकता है, ये प्रमाण है। शरीर रहने, जब तक शरीर रहे, ये त्रिगुण का काम चलते रहेगा। इसमें शरीर और मन हो सके दिलप्त हो, शरीर है ना, इसमें देही अतः आत्मा लिप्त होना संभव नहीं है, ऐसा विचार करना के रहे। इसका बारे में कल चर्चा हुआ था, उदासीनो बदासीनो गुणैर यो न विचलते गुणा वर्तन्त इति एव जो अवतिष्ठति नेंगते। प्रकृति का त्रिगुण, त्रिगुण का प्रभाव के द्वारा किसी भी हालत से देही अतः आत्मा हिलता नहीं। ऐसा अवस्था में पहुंच जाए, उदासीन रहे और निर्लेप रहे, यही गुणातीत अवस्था में ये शरीर रहते हुए हो सकता। यहाँ तक उदासीनो बदासीनो गुणैर यो न विचलते गुणा वर्तन्तो इति एव यो अवतिष्ठति नेंगते। शरीर रहते हुए इतना तक चलेगा, उपाय नहीं है। भयं प्रमत्त स्वनिषु पिशाद यतः शास्ति सहसट पत्न्या जितेन्द्रियस्वात्मरतिर्बुधस्य संसार बंधन किं करोति अवद्या। ब्रह्मा जी कह रहे पोता को, मनु महाराज को कह रहे भयं प्रमत्तस्य वनिष्य पिशाद, अगर कोई अपना मेटेरियल मन बुद्धि शरीर को लेके जंगल में प्रविष्ट होके दिखाने जाए कि बड़ा हम त्यागी आए, हम बड़ा त्यागी आया। ब्रह्मा जी कह रहे भयं प्रमत्तस्य वनिष्य पिशाद, जंगल में जाने से भी भय से निष्कृति नहीं मिलना संभव नहीं, मिलना संभव नहीं, भय रहेगा, भय से बचना संभव नहीं है। अगर कोई जंगल में जाए, जंगल में जाने से भी भय से छुटकारा नहीं मिल सकता। भयम प्रमत्तस्य वनिषु पिशाच, जंगल में भी भय रहेगा, क्योंकि तुम अपना जड़ शरीर मन ये सब सूक्ष्म शरीर जो है अनर्थ, जितना सारे अनर्थ है, अनर्थ अनर्थ को लेकर जंगल में जा रही ये बीमारी है, मेटेरियल डिजीज बीमारी है, तब तक कोई रेहा नहीं है, डर रहेगा ही रहेगा। भयम प्रमत्तस्य वनिषु पिशाच यतः सास्ते सहसट पत्न्या, सहसट पत्न्या मतलब एक व्यक्ति अगर छ पत्नी ग्रहण की, छ पत्नी छ ओर से खींचेगी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चारों छ ओर से। इसका उदाहरण प्रहलाद महाराज में एक ही उदाहरण दिए, प्रहलाद महाराज भी एक ही उदाहरण दिए, और पहले जब तक ये जो है सररिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मदो माश्चर्य, ये जो है सररिपु है, रिपु मतलब शत्रु, जब तक ये सररिपु संग में रहेगा तब तक कोई रास्ता नहीं है भजन का, बचने का कोई रास्ता नहीं। जतः स्वास्थ्य सहसट पत्न्या, सपत्न्या माने एक आदमी का अगर छ पत्नी रहे तो छ पत्नी एक अग्नि का रहने से क्या हो सकता उसका हालत, तो इसका बारे में बताया गया भयं प्रमत्तस्य वनिषु पिशाच यतः स्वास्थ्य सहसट पत्न्या
जब तक ये छह रिपु का साथ, जब तक ये छह रिपु का साथ रह रहा है, जब तक कोई आदमी छह रिपु का साथ रह रहा है, तब तक इसका कोई मुश्किल का समाधान नहीं है। वयम प्रमत्तस्य वनिषु पिशाच यतः सास्ते सहस्रट पत्न्या। और अगर जितेंद्रिय बन जाए, आज जितेंद्रिय किसको बोला जाए, अगर अष्टांग योग के द्वारा जितेंद्रिय बनने का कोशिश करे, प्राणायाम जम जम नियम आसन प्राणायाम इसके द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, ये भी डिटैचमेंट जो है पक्का नहीं है। क्योंकि गीता में भगवान पहले ही बोल दिया, रसो वर्यम रसो पाश्व परम दिष्टा निवर्तन थी, जब तक उत्कृष्ट रस का संधान ना मिले तब तक निकृष्ट रस में ही रमन करने का इच्छा रहती है। जब तक उत्कृष्ट वस्तु, और उत्कृष्ट वस्तु दुनिया का क्या है, तमाम उत्कृष्ट वस्तु का अनुसंधान करे तो इसका कोई स्टेबिलिटी है नहीं। लेकिन उत्कृष्ट वस्तु का अनुसंधान करे परो वस्तु, जिसको परो वस्तु बोला जाए, इसका नाम है भगवान। तो इसका बारे में भगवान गीता में पहले ही बता दिया, ये जो जड़ रस में शब्द स्पर्श रस में जो खिंचावट है, इससे किसी भी हालत से मुक्ति हो नहीं सकता। चाहे अष्टांग योग करे, अप टू सर्टेन पॉइंट कैन गो अप, लेकिन परिपूर्ण रूप से डिटैचमेंट संभव नहीं। एकमात्र भक्ति के द्वारा, भक्ति रूप अमृत पान करने के बाद, ये परिपूर्ण रूप में वैराग्य हृदय में लाना संभव है, उसका पहले नहीं। इसीलिए गीता में भगवान बता दिया, रसो वर्यम रसो पाश्य परम दिष्टा निवर्तन थे, उत्कृष्ट रस का अनुसंधान मिले तो स्वतः निकृष्ट रस का त्याग करना है, कोई बड़ा बात नहीं है ऐसा करके। तो परवस्तु, परम वस्तु व परवस्तु एकमात्र भगवान, भगवान को प्राप्त करने का बाद और दूसरा कोई चीज भोग करने का, एंजॉयमेंट करने का कोई इच्छा रहता नहीं, सारे मिट जाता है। जस्मिन ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, जिसको जानने का बाद जानने का कोई इच्छा नहीं शेष रह जाता, सारी जानकारी खत्म। आज जिसको प्राप्ति करने का बाद और दूसरा कुछ प्राप्ति करने का कोई वासना हृदय में पैदा होना संभव नहीं। जस्मिन प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तुं भवति, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, परिपूर्ण रूप में इसका सैचुरेटेड पॉइंट आ जाए। और परिपूर्ण रूप में सैचुरेशन सैचुरेटेड पॉइंट आने का बात क्या होता है, अंदर में कोई सुख दुख या तो मान अपमान का कोई विषय रह नहीं जाता। के परवस्तु को दर्शन किया, परवस्तु को दर्शन किया, परवस्तु का अनुभव किया, आप परवस्तु में अगर मन रमन करते रहे, इस समय मन का एक ट्रांसेंडेंटल भूमिका, अप्रागित भूमिका में पहुंच जाता है। इस समय इस जड़ जगत का सुख दुख मान अपमान ये टच नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, संभव नहीं है। इसीलिए बताया, उदासीन बदासीन गुणैर यो न विचलते गुणावर्तन्त इति एव यो अवतिष्ठति न्यांगते। इसका बात बताया, समो दुख सुख स्वास्थ्य समो लोष्टास्मो कांचना। क्या बताया, समो दुख सुख स्वस्थ समो लोष्टास्मो कांचना तुल्यो प्रिया प्रियो धीरः
स्तुल्यो निंदात्मो संस्तुति, इसका व्याख्या हो चुका। मानापमानयो स्तुल्यो 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 मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सउच्यते। ये गुणातीत भूमिका में है, जो मान अपमान को समान देखता है, मान अपमानयो हो स्तुल्यो स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो, ये मेरा दोस्त है, ये शत्रु है, ये विचार खत्म हो जाता, रहता नहीं, बांसता नहीं। तो जिसका सामने सुख दुख समान, और जो स्वस्थ अर्थात आत्मस्वरूप में जो अवस्थित है, इसका सामने मृत्तिका मिट्टी पत्थर सोना चांदी हीरे जवरत सारे समान है। एक कहानी याद हो गया, गुरुवर्गों से सुना था, पति पत्नी भजन करने का इरादा फैसला किया, इरादा किया और भजन करने में गया, धीरे धीरे अभ्यास कर रहा है, और भजन करते करते इसका इस हालत में आ गया पति पत्नी का, जो पति देवता, पति देवता और पत्नी दोनों एक साथ भजन कर, भजन चल रहा है, और एक दफे एक सोने का टुकड़ा किसी जगह मिला। ये पति देवता जो है ये उदासीन रहे, और पत्नी जो है ये उसका उनकी नजर गई, और इसका क्या है उदासीन भूमिका में नहीं आ पाई, तो इन्होंने शासन करके बोला, आपको तो अभी सोने चांदी और हीरे जवरत और पत्थर और सोने में फड़क मालूम है, तो आप क्या भजन करोगे। तो स्वस्थ मतलब आत्मस्वरूप में स्थित होकर मृत्तिका मट्टी पत्थर का ढेला सुवर्ण जिसका समान विचार है, और ये प्रिय है ये अप्रिय है, ये मान है ये अपमान है, ये निंदा है प्रशंसा है, जिसका मन सामने बराबर है, कोई भेद नहीं। ये धीमान है, धीमान मतलब धैर्य युक्त, इसका बेचैनी बिल्कुल नहीं है, इसका धीमान, इसका नाम है धीमान, या इसको धैर्य युक्त। और ये व्यक्ति एक्चुअली गुणातीत भूमिका में स्थित है, ये बोला जाता है, ये व्यक्ति एक्चुअली गुणातीत भूमिका में गया, ये बोल सकता। ब्रह्मा जी ने अपना पोता प्रियव्रतों को ऐसा समझाया, जब बेटा जितेंद्रियो बनकर रहोगे, जितेंद्रियों का भी आगे चल के मनु का बारे में बहुत सारे व्याख्या है, कहा जी ये भक्ति युग का ही विशेष है, वो ऐसा नहीं कि अष्टांग योग आदि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें अनस्टेबिलिटी है, बहुत सारे श्लोक है इसका बारे में, मनु महाराज जी का बारे में बहुत सारे श्लोक है, और यहां कह रहे हैं कि ये गुणातीत भौमांग देख, तुम अगर जितेंद्रिय बन जाओ जेबा महिषे कि तो सौहृदार्थ था, ये है पंचम स्कंद का ऋषभ देव का, जेबा महिषे कि तो सौहृदार्थ था जौनेशु देहांतर वार्तिकेशु, ये श्लोक बहुत सुंदर है, कभी चर्चा हो पाएगा। तो मानव मानयो स्तुल्यो
मानव मानयो स्तुल्यो स्तुल्यो मेत्रारी पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। इसका ही गुणातीत भूमिका ऐसा करके चर्चा किया। लेकिन ये जड़ जगत का जो इतिहास है, ये जड़ जगत का जो केस हिस्ट्री है, इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी भी हालत से कोई भी आदमी चाहता नहीं कि वास्तव हरिभजन का उपदेश को ग्रहण करे। प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी का अंदर में ये विचार नहीं कि ये शुद्ध भक्ति को ग्रहण करे, ऐसा विचार नहीं। भक्ति का नाम पे सब मिसाल, मैंने इसका मिलावटी एक मिसाल दे रहा हूं मैं। पापा जी कह रहे हैं कि एक बनिया का, पापा कह रहे हैं एक बनिया का दो लड़का, एक दो लड़का जो बिच्छू है बदमाश, ये पढ़ाई लिखा कुछ नहीं करता, दिमाग में कुछ नहीं घुसता, बिल्कुल चाहता नहीं कुछ। एक बनिया का दो लड़का है, किसी भी हालत से चाहता नहीं कि लिखा पढ़ा करे, कुछ नहीं करे, कुछ करने का इच्छा नहीं। आप पिताजी ने बड़ा चिंता हो गया, बुढ़ापा में क्या होगा, ये बिजनेस जो है, व्यापार जो है, इसमें इसको लगाना है दो लड़का को, लेकिन ये कोई हिसाब जानता नहीं, दो दो चार होता है ये भी सीखना नहीं चाहता, कुछ नहीं, बिल खाओ पियो आयस करो आराम करो, बदमाश है और टबाकू पीता है छुपके से, बदमाशी का नाशा करता है। बड़ा आप चिंतित हो गया, ये बड़ा चिंतित होके अंतिम में निर्णय लिया, ऐलान कर दिया, कोई ऐसा शिक्षक कोई है जो मेरा ये दो लड़का को कम से कम दो दो चार 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 आठ ये सिखाए कम से कम, बस और कुछ नहीं, योग और वियोग जो है इतना सीखे। ये कोई है, कोई शिक्षक ऐसा है हमारा ये दो लड़का को सिखा दे, बहुत सारे आए हम सिखा देंगे, सारे फेलियर होके चला गए। ये लड़का दो इतना बिच्छू है, ये शिक्षकों के एकदम हराम है ना, बदमाश है, जीना हराम कर देते। अंतिम में एक पंडित आया, बोले महाराज हम सिखा दें, कोई बात नहीं, बड़ा बात नहीं, ये जो बनिया है, बनिया ने ऐलान कर दिया ठीक है चलो कोई अगर सिखा सके तो इसको मेरा बिजनेस का आधा शेयर मैं दे दूं, तो कोई तो किसी भी हालत से सिखाए। अंतिम में ये शिक्षक आए, पंडित है, जानता है थोड़ा ज्ञान है सब विषय में, और ये लोग, ये दो पुत्र जो है उसको आदेश मिला, पिताजी का आदेश, जो जब भी जा कुछ भी करो ये गुरुजी का साथ रहो, हर वक्त तुमको ये गुरुजी का साथ ही रहना है, आदेश मिला। अब बाहर कैसे जाए, जा नहीं सकता, चलो जब बाहर जाए भी तो शिक्षक के साथ जाना है, अगर गुरुजी बुलाए तो बाहर जाना, नहीं तो नहीं जाना। अब उसका तमक तबाकू की पीना मुश्किल हो गया, कैसे करे, और एक ही घर में एक ही कमरा में सोना उठना बैठना मरा मुश्किल हो गया। तो ये क्या करते हैं, गुरुजी जब सो जाते हैं पहले क्या करते हैं, ये बिच्छू पहले सोने का बहाना बनाते ऐसा करके नाक नाक नासा गर्जन करते। शिक्षक सोचे कि आप तो सो गया, अब ठीक है आप चलो कोई मुश्किल नहीं है, हम भी सो जाए। अब जब सो गया अब मास्टर जी जब नासा गर्जन करने लगे तो ये दोनों बदमाश बिच्छू जो है बाहर चला गया, बाहर जाके इच्छा करके टबाकू पिया, टबाकू पी के बरंदा में फिर आके सोने का नाटक रचाया। मास्टर जी उठ के देखा, अरे ये तो तंबाकू का गंदगी कहां से आया, तो उसका डाउट हुआ, ए तुमने तंबाकू पिया, उठो जागो। अरे बोले
तुमने टबाकू पिया? बोले हम कैसे पी सकते थे गुरुजी, हम तो आपका पहले सो गया और आपका बाद जागा, अब कैसे टबाकू पी? अरे ना चलो हम परीक्षा करें। परीक्षा करके देखे तो हाथ में इसका उंगली में तंबाकू का गंदगी है। बोले तुम नहीं पिया, पिटाई होगी। बोले हमने पिया नहीं। ऐसा हो सकता जो हम और आप दोनों, हम भी सो गए, हम दोनों आप भी सो गए कि बदमाश आदमी आके मेरा हाथ में तंबाकू पी के चला गया, ऐसा हो सकता। किसी भी हालत से सीखने के लिए तैयार नहीं है और उसको इन दोनों बच्चा को बदमाश को लेकर गुरुजी मैदान में जाए, नदी का नदी का किनारे में जाए और ये जो दो दो चार होता है सिखाने का कुछ। अच्छा ये गाया देखा? बोले हाँ देखा गुरुजी। इसका कितना पहिया है देख तो? बोले एक दो तीन, और छोटा भैया जो है जोर से मुख चाक, गुरु ए गुरुजी वो चालू है तेरे को सिखा देगा, ये सिखा देगा, दो दो चार एक एक है ना दो, ये सिखा देगा, वो बड़ा चालाक है। इसलिए वो भी बोलना बंद कर दिए, नदी का किनारे गया और मास्टर जी ने बोले कितना आज आज बहुत सारे मछुआरे है ना बोट लेके, कितना बोट है, ये बोलने जाए ये भी बंद कर दे। छोटा जो भाई है बोले दादा मत बताओ, ये बताने से वो हम हमको सिखा देंगे हैं। पापा कह रहे हैं ये दुख की बात है, जो लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहता, बिल्कुल इच्छा ही नहीं है बेसका, जिनका अंदर में कोई इच्छा ही नहीं, सीखने का कोई इच्छा ही नहीं है और नाटकबाजी करे, गुरु वैष्णव के सामने रहे, गुरु वैष्णव का भोग करे, एंजॉयमेंट करे, गुरु वैष्णव का संग जो है इसको एंजॉय करे, क्योंकि गुरु वैष्णव का संग रहते हुए बहुत सारे फैसिलिटी मिल सकता है। प्रभात कह रहे हैं कि जिसका जिन लोगों ने निर्णय कर लिया, जिन लोगों ने फैसला कर लिया, जिन लोगों ने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम मंगल का रास्ते में कभी नहीं चलेंगे, आत्म मंगल का रास्ते में जाएंगे नहीं, ये दोनों जो चरित्र है इसका साथ, ये दो जो बिछुआ लड़का है ये दोनों का प्रभुपाद जी इसका उदाहरण दिया, ये दोनों ऐसा ही है। अगर गुरु वैष्णव चाहे कि शुद्ध भक्ति का विचार में उसको लाने का, पहले तो वो करेगा ही नहीं, आत्म मंगल का बारे में उसका कुछ करेंगे नहीं, ये प्रतिज्ञा करके रखा है। दूसरा बात है अगर जोर जबरदस्ती करने जाए तो गुरु वैष्णव का ही दोष उगालेगा, बोले गुरु वैष्णव दोषी है, हम ठीक है। ये जगत का लोभी संप्रदाय है, ये वैष्णव को भी लोभी कामुक ऐसा करके गाली देता है और जौर प्रतिष्ठा कामी संप्रदाय, शुद्ध वैष्णव गण का जो प्रतिष्ठा है इसको भी इसका बराबर समझता है। वैष्णवेर पिछोने आछे तो प्रतिष्ठा तहा नहीं कबू जौरेरो वैभव, प्रभुपाद जी लिखा है। वैष्णव का पीछे जो प्रतिष्ठा है एक भी जड़ जगत का प्रतिष्ठा का वैभव नहीं है, लेकिन ये समझने का बाहर है, कोई सोचता ही नहीं, किसी का विचार में आता नहीं, उल्टा समझता है। वैष्णव का पीछे में जो प्रतिष्ठा है और साधारण आदमी का मटेरियल जगत का, ये दोनों एक नहीं है, लेकिन ये जड़ जगत का आदमी एक जैसा समझता है, क्या किया जाए, समझेगा ही नहीं। 26 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं मानचो, ए इसका बारे में खुलासा हो सकता है ना, जो जो हमने बोला डिटैचमेंट जो है, वैराग्य जो है, ये पक्का हो सकता, जिसका बारे में सर्वम भट्टाचार्य का श्लोक उठाया था ना बहुत पहले, सर्वम भट्टाचार्य का ऊपर, सर्वम भट्टाचार्य का ऊपर जो मायावादी था पहले,
सर्वम वटेजु को ऊपर जब पूर्ण कृपा भगवान का चैतन्य महाप्रभु का, तब उन तब सर्वम वटेजु का विचार बदल गया। अब बदलने के बाद 100 श्लोक करके तुरंत अभी कृपा मिला, तुरंत सर्वभुज का दर्शन एकदम कांपते कांपते गिर गया। चैतन्य महाप्रभु ने स्पर्श किया, क्या देखा, क्या हो गया सर्वभुज, तुम्हारा क्या हुआ, ऐसा कैसे स्पर्श करके चेतन कराया। और चेतन करने का परम चेतन वस्तु, पूर्ण चेतन वस्तु चैतन्य चंद, जिसको पूर्ण चेतन वस्तु बोला जाता है, वो चैतन्य महाप्रभु जिसको स्पर्श करके बताया, सर्वभौमो क्या हुआ, उठो। सर्वभौमो एकदम चौंक के उठ गया और कांपने लगे, आंसू बहने लगे। और इसी समय पूर्ण चेतन वस्तु चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श के द्वारा, कृपा के द्वारा ऐसा विचार आया हृदय में, मायावादी पानी में चला गया। अब तो कहने लगे 100 श्लोक कर दिया, एक सौ श्लोक एकदम जैसे साइक्लोन है, 100 श्लोक का उच्चारण किया है तो पंडित अद्वितीय पंडित है। अब उस समय बोलना शुरू कर दिया भगवान, वैराग्य विद्वान यो भक्ति योगो शिक्षा समीक पुरुषो पुराणो, ठीक है ना, ये श्लोक याद है ना, वैराग्य विद्वान यो भक्ति योगो शिक्षार्थमेकं पुरुषो पुराणो, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। कृपां बुधि, कृपा का समुन्दर है ये चैतन्य महाप्रभु। और सर्वमोटेज जो ने आज पहली बार, ये पहली बार स्वीकार किया जो वैराग्य विद्या है, आज तक मैंने विचार बनाया था जो वैराग्य ये अविद्या था, आज तक जो विचार बनाया था सारे अविद्या, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलने का बाद, चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलने का बाद क्या हो गया, ये समझ गया जो वास्तव वैराग्य जो है ये भक्ति, भक्ति का नाम ही वास्तव वैराग्य। और ये वास्तव वैराग्य जो है वैराग्य विद्या, अविद्या नहीं है, ये वास्तव वैराग्य जो है। सर्वमोटे जो विचार करके देखा कि वैराग्य जो है अभी जो है वास्तव वैराग्य ये विद्या है, अविद्या नहीं है। तो इसीलिए वैराग्य विद्या बताया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एकम पुरुषो पुराण, वैराग्य विद्या सर्वमोटे जो समझा। अब इसी बात को उठाया ये 26 नंबर श्लोक में, 26 नंबर श्लोक यहां विचार करके भगवान दिखाया, मान च जो अव्याभिचारेन भक्ति योगेन सेवते स गुणानु समति त्वैतानु ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये लिटरल मीनिंग हम कह रहे हैं, पहले मानच जो अभी मामच आमा के माम मानच जो अव्याभिचारेण भक्ति योगे न सेवते, मतलब जो व्यक्ति हमको ही वैकांतिक भक्ति योग के द्वारा सेवा करे वो त्रिगुण का अतीत भूमिका में जा पाए, वो त्रिगुण को अतिक्रम करके ब्रह्मानुभव ब्रह्म का अनुभव करने का लायक होते हैं, काबिल होते हैं ब्रह्म को अनुभव कर। इसका भी माने हैं बहुत सारे, ये ब्रह्मानुभव एक एक आदमी गीता का व्याख्या किया उल्टा, कि जो जिसका जैसा मर्जी व्याख्या किए गीता का बारे में। मानच जो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन, अव्याभिचारेण भक्ति योगेन मतलब अनन्य भक्ति योग के द्वारा
अनन्य भक्ति योग के द्वारा, अनन्य भक्ति योग के द्वारा जो भजन करे, अनन्य भक्ति योग के द्वारा जो भजन करे, एकमात्र वो गुणातीत भूमिका में जा सकता है, और कोई गुणातीत भूमिका में जाना संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है। भक्तिमनु ठाकुर जी ने बताया, भक्तिमनु ठाकुर जी ने बताया इस श्लोक का अर्थ बताया भक्ति, और बहुत सूक्ष्म विचार है भक्तिमनु ठाकुर जी ने बताया। भक्तिमनु ठाकुर जी ने कहना चाहा, तीसरा जो प्रश्न है ये गुणातीत भूमिका में जाने का तरीका, प्रोसीजर क्या है, भजन क्या है, क्या पद्धति है। भक्तिमनु ठाकुर कह रहे हैं मानो कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा जो तीसरा प्रश्न है, जो त्रिगुण अतिक्रम करके कैसे अवस्थित हो जाता है, त्रिगुण अतिक्रम करके किस व्यवस्था है, जैसे त्रिगुणातीत भूमिका में अवस्थित हो जाता है, क्या पद्धति क्या है, इसका एकदम पक्का उत्तर दिया भगवान जे ये भक्ति योगी संभव है। भक्ति योग्य सारा भगवान कह रहे हैं, इसका उत्तर है जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति योग अर्थात अनन्य भक्ति योग, भक्ति का साथ कोई मिलावटी नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि जो अव्यभिचारी भक्ति योग अर्थात भक्ति उद्देशक, भक्ति का सामने रखकर, भक्ति को ही सामने रखकर, भक्ति उद्देशक ज्ञान कर्म जो कुछ भी, भक्ति को सामने रखकर मेरे को सेवा करे तो मेरा साधर्म जे ब्रह्म भाव चालक, मेरा जो सात धर्मो है, समान धर्मो जो है, मेरा सात धर्मो साधर्मो जो ब्रह्म भाव, ये लाभ करता है। इसका बारे में बहुत सारे व्याख्या किए टीकाकारों ने, ब्रह्म भाव का बारे में विश्वनाथ चतुर्दिवाद क्या बताया, सीधा साईपाद क्या बताया। सीधा साईपाद जी ने बताया ये जो ब्रह्म भूयाय कल्पते, इसका सीला सीधा साईपाद जी ने बताया ब्रह्म भूयायो शब्दों के द्वारा ब्रह्म भाव अर्थात मोक्ष भाव लाभ करता है। इनके टीका के मिलता है परमेश्वर 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 आमा के ही परमेश्वर मुझको ही वैकांतिक भक्ति योग के द्वारा जो सेवा करता है, ये व्यक्ति गुण समूह संपूर्ण अतिक्रम करके ब्रह्म भूया ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जी ने क्योंकि सीधा साईपाद जी का पूरा टीका व्याख्या ना करे तो उल्टा समझ सकता है, उल्टा, क्योंकि मोक्षों का व्याख्या दूसरा संप्रदाय दूसरा करता है, तो इससे अच्छा है सीधा साईपाद जी का जो व्याख्या है ये थोड़ा क्लियर है और ज्यादा क्लियर है। श्रीला सीधा साईपाद जी ब्रह्म भूयायो ये शब्दों के द्वारा ब्रह्मानुभव का योग्य है, जिसका बारे में याद है शब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, ये श्लोक का साथ इसका तुलना किया जाए। तद्विज्ञानार्थम तद्विज्ञानार्थम सगुरु मेभावी गच्छेत समित पाणी श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम का मतलब कोई आदमी दूसरा आदमी उल्टा व्याख्या करेगा, लेकिन ब्रह्मनिष्ठम का मतलब परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण इसका सेवा का बारे में, अर्थात भगवान का हृदय में क्या क्या है, भगवान कैसे प्रसन्न हो सकता है, कैसे भगवान को आनंद मिलता है, इस विषय में
पूरा जानकारी जिसका है, स्वगुरु मेभावी गच्छेत, जिसका बारे में बताया जे तद विज्ञानार्थम स्वगुरु मेभावी गच्छेत समित पाणी सौत्यम ब्रह्मनिष्ठम। यह ब्रह्मनिष्ठम का जो माने हैं और ब्रह्म भूया ये दोनों एक ही माने हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इसका खुलासा किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं ब्रह्म का अनुभव करने का लायक होता है, ब्रह्म को अनुभव में लाते हैं। और ब्रह्म को अनुभव में लाना संभव ही नहीं है कि भगवान चतुश्लोकी भागवत में क्लियर कर दिया, मेरा भक्ति के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, जिसका भक्ति का सहारा लिए बिना कोई मेरा स्वरूप को भक्ति के सहारा लिए बिना किसी ने मेरे को जान लिया, मेरे को समझ लिया, ये असंभव है। इसका बारे में भगवान स्वीकार किया, ज्ञानम परमं गुह्यं यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च ज्ञान गुह्यतमय यवानहं यथाभाव यद् रूप गुण कर्म कः तथैव तत्त्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो जाए तो समझ में आता है। भगवान का जब कृपा ना मिले, गुरु वैष्णव का कृपा ना मिले, भगवान का कृपा ना मिले, तब तो भगवत तत्व के बारे में अनुभव होना, भगवत तत्व के बारे में अनुभव होना बिल्कुल असंभव है। इसीलिए विश्वनाथ चतुर्वेदी जी ने बताए ब्रह्म भूयाय शब्दों के द्वारा ब्रह्म अनुभव का यज्ञ होता है, ब्रह्म को अनुभव करने का लायक होता है। और भक्ति के अलावा ब्रह्म अनुभव का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं। विश्वनाथ चतुर्वेदी एक के बाद दूसरा व्याख्या दे रहे हैं। विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं भक्ति के अलावा ब्रह्म को वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली ब्रह्म का अनुभव चिन्ह मात्र अनुभूति प्रभुपाद कहते हैं। ब्रह्म का अनुभव को अगर किसी योगी ने बोले चिन्ह मात्र चित शक्ति का शिकार चिन्ह मात्र अनुभूति इसको प्राप्ति करके मशगूल हो गया, बहुत कुछ मिल गया मेरे को, आनंद ही आनंद है, अरे ये ब्रह्मानंद है, सेवानंद के सामने कुछ नहीं है। गोष्पद गोष्पद जानते हो, एक गोमाता का जाने के बाद उसका जो हुप्स है खूर के द्वारा जितना सारे मिट्टी में खुदाई होता है उसमें जितना पानी रहता है इतना गोष्पद, संस्कृत में गोष्पद बोले जाता है, कुछ नहीं। ब्रह्मानंद सेवानंद के सामने कुछ नहीं, इसका बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारे हजारों हजारों। विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं भक्ति के अलावा ब्रह्म को वास्तविक अनुभव करे ये संभव ही नहीं। निर्विशेषवादी का जो विचार है ये विचार करने जाए तो ये ब्रह्म अनुभव का लायक तो है ही नहीं, और ब्रह्म का वास्तव अनुभव में रुकावट है। निर्विशेषवादी जीवों का ये जो विचार है, निर्विशेषवादी गण जीवों का मुक्ति में ये तक उभय ये भगवान का नित्यता स्वीकार करते नहीं, शक्ति का नित्यता करता नहीं, भक्ति भक्तों और भगवान तीनों का नित्य एक प्लेटफॉर्म में स्थिति स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए ये लोग ब्रह्म अनुभव का अनुभव करने का लायक बिल्कुल नहीं है। ये लोगों का ब्रह्म अनुभव ये लोगों का ब्रह्म अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भक्त एकांत रूप में ब्रह्म अनुभव का योग्य है, और केवल भक्ति केवला भक्ति एकांतिक भक्ति के द्वारा ही ब्रह्म का कृपा के द्वारा ब्रह्म अनुभव का सामर्थ्य लाभ होता है, क्योंकि इसका ढेर सारे प्रमाण है। भागवत में लिखा है भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, भागवत का 11 स्कंद में 14 अध्याय का 21 नंबर श्लोक भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, भक्ति के द्वारा ही मैं अनुभव का विषय बनता हूँ।
भक्त्या अहम एकया ग्राह्यो, भक्ति के द्वारा ही मैं भी अनुभव का एकांत विषय बनता हूँ और दूसरे रास्ता में ब्रह्म अनुभव का कोई रास्ता है ही नहीं। और जो मायावादी का जोगी का जो चिन्ह मात्र अनुभव ये कुछ नहीं, पार्शियल पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ दैट भगवत तत्व। भगवान भगवान का जो परमात्मा रूप में जोगी हृदय में अनुभव करे ये भी पार्शियल, ये भी परिपूर्ण नहीं है। और चिन्ह मात्र अनुभूति किसी का अगर होए ये भी पार्शियल है, कुछ नहीं है। परिपूर्ण जो ब्रह्म अनुभव एकमात्र गुरु वैष्णव का ही हो सकता है। भक्ति ठाकुर प्रभुपाद इन्हों का ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म बोलकर परा ब्रह्म परत्पर अखिलेश्वर भगवान का स्वरूपानुभूति, भगवान का क्या इच्छा, भगवान कैसे क्या चाहते, क्या उसका व्यवहार है, सारे ये पूरा तरीका जो है ये भक्ति के द्वारा ही जान सकता है। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। इस विषय में दसम स्कंदों का एक श्लोक मैंने बहुत पहले उठाया था, बहुत दिन दो चार सप्ताह पहले उठाया था। ये एक परीक्षित जी महाराज इतना कथा सुनने का बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को प्रश्न कर रहे हैं, महाराज तज्जब की बात है, ये कैसे ही होता है ये देवी मैया का भजन करे, भोले बाबा का भजन करे और जिमी गॉड्स स्वर्ग का कोई देवता का भजन, मालामाल हो जाता है। लेकिन अक्सर जो वैष्णव भजन करते हैं उनका जड़ जगत का कोई वैभव दिखाई नहीं पड़ता है। अक्सर देखा जाता है जो तब की आपने व्याख्या किया भगवान सबसे ऊपर है, भगवान का ऊपर तो कोई है नहीं, लेकिन भगवान का भजन करे तो अक्सर देखा जाता है सब निष्किंचन है, भीख मांगा है, कैसे क्या होता है। और जो देवी मैया का भजन करे, भोले बाबा का, ये सब मालामाल हो जाता है, क्या बात है, ऐसा क्यों है। जबकि भगवान सर्वसज्जपति है, अनंत ब्रह्मांड का जहाँ जैसा संपत्ति है, कहाँ कुछ भी है, सब भगवान के ही है, भगवान का ही है, भगवान से ही आया है। तो कैसे ऐसे होता है, ऐसे क्यों होता है। सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए, देखो ये जो देवता लोग हैं, देवता लोग जो हैं स्वर्ग में, ये सब देवता लोग कोई गुणातीत भूमिका में कोई नहीं है, हैं क्या कह रहे हो, हाँ गुणातीत भूमिका में कोई नहीं है, सब इन लोगों का सात्विक गुण ज्यादा है। एकदम सदाशिव का बारे में बताओ, सदाशिव का विचार अलग है, लेकिन भोले बाबा को विचार करें इधर का कैलाशपति का, इसमें तमोगुण का प्रभाव दिखा रहा है बाहर में, अंतर में वैष्णव है, वैष्णवानम जैसा सुन। और स्वर्ग का देवता लोग के बारे में विचार बनाओ तो उसमें देखोगे सारे के सारे त्रिगुण का अंदर ही है, सतगुण ज्यादा है हो सकता, कभी कभी तमगुण वाले देवता भी रहते है ना, है कितना देवता है, शशान काली, मनसा देवी, सारे तमगुण वाले, रजगुण वाले दुर्गा आदि सब है, हैं। और सतगुण का प्रधान बहुत कम दिखाया जाता है। तो ये जो है भगवान हरि का बारे में तुमने पूछताछ की, तो ये जानकारी कर लो स्वर्गों का देवता लोग जो है कोई गुणातीत भूमिका में कोई नहीं है, गुणातीत भूमिका कोई नहीं है। इसलिए एक कल्प बाद ये लोगों का स्वर्ग लोग से इसके लोग इधर उधर चले जाए, दूसरा आएगा स्वर्गों का राजा आएगा और कैबिनेट जो है चेंज होगा, सारे
इंद्र वरुण आदि सारे का चेंज हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी जी ने इस प्रश्न का उत्तर दी जो हरिर ही निर्गुण हो साक्षात पुरुष हो प्रकृति पर हा, ये बात को समझना। हे परीक्षित, हरि कोई इस जगत का वस्तु नहीं है, जो इच्छा हो तो ले लोगे, इच्छा हो तो लोगे लूट लोगे, ऐसा नहीं है। हरिर ही निश्चित रूप से जानना, हरिर ही निर्गुण हो, ये निर्गुण भूमिका में है, साक्षात पुरुष अर्थात ये जो साक्षात पुरुष अथवा परम पुरुष जीवात्मा पुरुष है, ये पुरुष नहीं है। साक्षात पुरुष मतलब परम पुरुष, हरिर ही निर्गुण साक्षात पुरुष हो प्रकृति पर, ये प्रकृति का परे वस्तु है और सर्वद्रिक उपदृष्टा, सब कोई के हृदय में, सब कोई के हृदय में बैठ के परमात्मा का रूप में हर जीवों का क्या हालचाल है, हर जीवोत्मा का हालचाल क्या है, ये नजरदारी जासूसी नहीं है, ये नजरदारी जासूसी अपमान ये ठीक नहीं है, नजरदारी, क्योंकि भोगने वाले भोग करने वाले माया में उलझे हुए जीवात्मा अपने को भोक्ता मानता है, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन उसका क्रियाकर्म का साक्षी बन के परमात्मा का रूप में हर जीवों का अंदर में बैठा हुआ है सुपर सोल परमात्मा, सौ सर्वद्रिक उपदृष्टा, दृष्टा उपदृष्टा क्यों बताया, दृष्टा बोल सकता, दृष्टा मतलब जिसका अंदर में दर्शन करने का अभिमान है, मैं दृष्टा हूं इसलिए दृष्टा, उपदृष्टा मतलब इसको ये दर्शन करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते, इसका ऊपर जो नजर रखते हैं, इसलिए दृष्ट व्याकरण में आता है, व्याकरण में आता है ढेर सारे दृष्टा, ढेर सारे जो दृष्टा है, इसका ऊपर जो परम दृष्टा है उपदृष्टा, इसका ऊपर उपदृष्टा भगवान है, सब कोई को सब कुछ देख रहा है उपदृष्टा, सर्वद्रिक उपदृष्टा। तो इसीलिए परीक्षित, हे राजन, तंग भजन, इसका भजन करने जाओ तो तुमको भी निर्गुण अवस्था में उठना है। एक खुला उत्तर दे दिया परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को, ये अगर तुमको हरिभजन करना है, त्वं भजन अर्थात इनके जो भजन, भगवान का जो भजन है, ये भजन निर्गुणो भवेत, ये निर्गुण अवस्था में होता है, भगवान निर्गुण है, जो भजन करने वाले निर्गुण हो सकता होना चाहिए, भगवान निर्गुण है, भजन करने वाले निर्गुण होनी चाहिए, और भजन जो पद्धति है ये भी निर्गुण होनी चाहिए, कोई मिलावटी नहीं चले। इसलिए हरिर ही निर्गुणो साक्षात पुरुष प्रकृति परे, प्रकृति पर हाँ, हरिर् निर्गुणो साक्षात पुरुष प्रकृति परे सर्वद्रिक उपदृष्टा त्वं भजन निर्गुण भवे, निर्गुण अवस्था में नहीं पहुंचने से कभी भी हरि भजन बनता नहीं, ये पक्का समझ के रखना, सबसे बड़ा विचार है ये। और बलदेव विद्याभूषण जी ने ये जो श्लोक बनाया, ये जो श्लोक बताया हमने, मान च जो अव्याभिचारे न भक्ति योगे न सेवते स गुणानो समतितानो ब्रह्म भूयाय कल्पते, इसमें तो खुला बोल दिया भगवान, शुद्ध भक्ति निर्गुणा भक्ति छोड़कर मेरा भगवान क्लियर बता दिया, उसमें कोई एजम्पशन का कोई बात ही नहीं है,
ब्रह्म भूयायो, तो ब्रह्म भूयायो ये शब्दों का मायावादी दूसरा व्याख्या करे, जोगी लोग दूसरा कुछ भी कर सके, लेकिन पहला लाइन में भगवान इसका पूरा क्लियर कर दी, तो उसका बाद दूसरा व्याख्या का कोई कोई रास्ता नहीं है, फिर भी वो लोग करें। विशुद्ध भक्ति योग में जो प्रतिष्ठित हो जाए वही एकमात्र निर्गुण भूमिका में जा सके, और दूसरा कोई पद्धति के द्वारा कोई करने चाहे त्रिगुण त्रिगुणातीत तो भूमिका में जाना चाहे ये संभव नहीं। बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं एक गुण का, एक गुण को चलाने वाले कोई कोई कर्ता नहीं है, ये मैं ये जो प्रकृति है यही चला रही है, ठीक है। बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं जे कोई कोई आदमी अगर ऐसा अनुभव करे, ऐसा सोच ले जे ब्रह्म भूयायो कल्पते, मतलब जीव और ब्रह्म सर्वतभावे ऐक्य, केवल अभेद बात स्थिरीकृत हो ही लो। कोई अगर उल्टा समझे ब्रह्म भूयायो मतलब ये ब्रह्म बन गया और ब्रह्म का साथ एकाकार हो गया, बलदेव विद्याभूषण जी बताए ये सरासर गलत है। बलदेव विद्याभूषण का दूसरा एक किताब है बड़ा इंपॉर्टेंट, गुरु जी ने छपाया था और सिद्धांत रत्नम मैंने भी छपाया गुरु जी का इच्छा के अनुसार, प्रणय प्रमेय रत्नावली पहले गुरु जी ने छपाया था, और इसमें प्रणय रत्नावली में चतुर्थ प्रमेयो फोर्थ प्रमेयो टू बी प्रूव्ड चतुर्थ चैप्टर पार्ट जो है इसमें बलदेव विद्याभूषण जी ने एक सूत्र लिखा, ये सूत्रों में लिखा अथो विष्णुतो जीवानाम भेदः, ये सूत्र के द्वारा विष्णुतो मतलब विष्णु से जीवों का नित्य भेद यह स्वीकार प्रमाण किया, वेदांतों का सूत्र उठाया और अपने भी ये श्लोक बनाया अथो विष्णुतो जीवानाम भेदः, इस सूत्रों में विस्तृत रूप में बौद्ध विद्याभूषण व्याख्या किया इस विषय में। गीता का वर्तमान जो वर्तमान अध्याय में दूसरा श्लोक में अनुभूषण में देखना जरूरी है, ये गीता का ये जो चल रहा है तृतीय श्लोक है वर्तमान अध्याय जो है, वर्तमान मतलब ये जो अध्याय चल रहा है इसका दूसरा नंबर श्लोक बताया, इदम ज्ञानम उपाश्रितो ममो साधर्म मागता, याद है ना इसका व्याख्या किया पहले, इदम ज्ञानम उपाश्रितो ममो साधर्म मागता स्वर्गे योपी नोपजयंते प्रलय न व्यथंती व्यथंती चा, इसका चर्चा करें, पहले चर्चा हो गया इसका। इदम ज्ञानम, ये जो ज्ञान हमने बताया उपाश्रित्व सम्यक रूप में आश्रय करने से ममो साधर्म मागता, ये साधर्म क्या है, समान धर्मता, समान धर्मता का व्याख्या दूसरा आदमी दूसरा किसी से कर सके, भक्तिमय ठाकुर जी निर्गुण भूमिका बताया एक ही है, अब ये श्लोक में जा रहा है एक ही बात, साधर्म मागता साधर्मम समान धर्मता मतलब निर्गुण ज्ञान को उत्तम ज्ञान बोला गया, भक्तिमय ठाकुर निर्गुण भूमिका गुणातीत भूमिका ये बताया, इदम ज्ञानम उपाश्रितो ममो साधर्म मागतः स्वर्गे योपी नोपजयंते प्रलये न व्यथंती च, ये ज्ञान को आश्रय करके जीव मेरा साधर्म मेरा समान धर्म अर्थात निर्गुण भूमिका में उतारता है, स्वर्ग सृष्टि के समय में भी इसका कोई कष्ट नहीं हो, सृष्टि के समय में इसका द्वारा सृष्टि के समय में इसका द्वारा जन्म लेने का कोई क्वेश्चन सवाल नहीं है,
और प्रलय का समय में इसका कष्ट मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, ये बात को चर्चा किया। इस विषय में भगवत जी महापुराण का और एक श्लोक है जो श्लोक चर्चा करना जरूरी है, और जो मांचो जो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणानो समतित्वैतानो ब्रह्म भूया कृपते। अब ये श्लोक का चर्चा होना जरूरी है। इधर भागवत जी महापुराण का 11 स्कंद का 29 चैप्टर का 34 श्लोक, मर्तो यदा त्यक्त समस्त धर्म, मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्मा, निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयायो च कल्पते। वे यहाँ भी एक ही है, ब्रह्म भूया कल्पते और यह मद्धर्म मागता एक ही। और यहाँ बताया गया देखो, मयात्मो भूयाय कल्पते, मयात्मो भूयाय कल्पते, मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे, मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयायो च कल्पते वै। विश्राम चक्रवर्ती वाद ने इसका सुंदर व्याख्या किए। मर्तो व्यक्ति अर्थात मरणशील व्यक्ति, मर्तो ये शब्दों के द्वारा शरीर, ये नाशवान जगत है, शरीर नाशवान, इसको इंडिकेशन दिया गया, सूचित, इसको सूचित किया गया। मर्तो मतलब मरणशील व्यक्ति, मरणशील व्यक्ति, मर्तो जदा जिस समय त्यक्त समस्त कर्म, तमाम क्रियाक्रम को छोड़कर, क्रियाक्रम मतलब कर्तव्य कर्म, डुअरशिप, मैं करता, मेरा फर्ज है, फर्ज बनता है ये करना, ये सब जो गंदगी है सब अगर खत्म हो जाए तो मर्तो जदा, ये जदा के द्वारा ये सब इंडिकेशन दिया गया है, सूचित किया गया। मर्तो जदा त्यक्तो समस्त कर्म, तमाम भला बुरा, तमाम कर्म को, अरे भला कर्म भी छोड़ दिया क्यों? अरे नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया, इसका व्याख्या भी हो गया, याद नहीं है आपका? नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया, पुण्य से सुखेर धाम नालोयो तार नाम, ये पुण्य जो है सुख का धाम है, इसका नाम नहीं लेना, इसमें बंधन, इसमें बंधन और ज्यादा टाइट बंधन हो सकता है। पुण्य कर्म करे स्वर्ग में जाए और फिर इसका क्या हो सकता है, बंधन ज्यादा हो सकता। इसलिए पुण्य से सुखेर धाम, पुण्य कर्म करने का बात उठाओ मत, सिर्फ भक्ति, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना भगवान का साथ, कोई सेल्फ इंटरेस्ट का कोई सवाल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो यहां बताया गया, नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया, पुण्य से सुखेर धाम, पुण्य के द्वारा सुख स्वच्छंद मिल सकता है, ये और ज्यादा गाढ़ा बंधन हो सकता है, और ज्यादा बंधन हो सकता है, इसे पुण्य से सुखेर धाम ना लो, ये इसका नाम उठाना नहीं। नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया, जो करना है भगवान के लिए करो, भगवान का होकर करो, ये ठीक है। मर्तो मर्तो यदा त्यक्तो समस्त कर्म, भला बुरा सारे कर्तव्य क्रिया कर्मो सब छोड़कर, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान शिवस्व सदपुरुषान जो ही काम तृष्णा, ये धुंधुकारी को गोकर्ण जी महाराज का प्रवचन ना, ये धुंधुकारी का जो कहानी है, इसमें आत्मदेव जी महाराज पिताजी को हमारा गोकर्ण जी महाराज ने बताए,
धर्मम भदस्य सततम तैजो लोक धर्मान, धर्म का नाम में जो चल रहा है, समाज धर्म, लोक धर्म, शरीर धर्म, जो कुछ भी चल रहा है सब धर्म का नाम है, सबको त्याग करो करके एकमात्र आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का जो धर्म है, ये आत्मो धर्मो, ये एकमात्र आत्मा का धर्म को अपनाओ और साधु पुरुष का सेवा करो जो गुणातीत भूमिका में है, गुणमय भूमिका में जो लोग हैं उन लोग का सेवा करने से मेरा भी त्रिगुण से छुटकारा मिलने का कोई चांस नहीं होगी। तो मर्तु ज्यादा त्यक्त तो समस्त करना भला बुला कर्म के स्वर के निवेदितात्मा, मतलब संपूर्ण सरेंडर हो गया, निवेदितात्मा पम पूर्ण निवेदितात्मा ने मैंने आत्मे को आत्मा को आत्मा को सबमिट कर दिया, परिपूर्ण निवेद सबमिट कर दिया निवेदितात्मा। और इस अवस्था में विचिकित्सितों में ये विचिकित्सितों का व्याख्या भक्ति में ठगे मर्तो मर्तो यदा, ये श्लोक का व्याख्या में विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखा है, हमारे हमारे द्वारा है न विशिष्ट कृत है, ये जो बड़ा घुमा घुमा के बताया, ये विशिष्ट बन जाता है ऐसा नहीं, विशिष्ट हमारे द्वारा विशिष्ट कृत हो जाता है। या विश्वनाथ चकोदिया कह रहे हैं हमारे द्वारा ये विशिष्ट कृत हो जाता है, यहाँ लिखना जरूरी था लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ क्या किया, ये प्रयोग नहीं करके विचिकित्सितो ईशन प्रत्यय, ये करना जरूरी था, ये बोलना जरूरी था हमारे द्वारा विशिष्ट कृत हो जाता है, क्योंकि ये प्रवचन भगवान का है, भगवान कर रहे हैं मर्तो मर्तो मरणशील मानुष ज्यादा त्याग तो समस्त का समस्त क्रिया कर्मो अच्छा बुरा सब त्याग करके निवेदितात्माओं के सबमिशन लगाकर बिजगिर सितों में, मतलब भगवान का कहना चाहिए हमारे द्वारा विशिष्ट कृत हो जाता है, ऐसा प्रयोग करना जरूरी था लेकिन यहाँ लिखे बिचिकित सितो ईशन प्रत्यय करके ऐते निर्गुण करीते आरंभ करिले, मतलब ये निर्गुण भूमिका में धीरे धीरे उतारते रहते, आगे आगे चलते चलते धीरे धीरे बिचिकित सितों में तदा उसके बाद, अर्थात ये निर्गुण भूमिका में धीरे धीरे जाते रहते हैं, निर्गुण इनको हम निर्गुण भूमिका में पहुँचते पहुँचाते रहते एंड निर्गुण करते आरंभ कर ले और ग्रेजुअली ये अभ्यासवान प्रैक्टिस करते करते निष्ठा रुचि आसक्ति रुचि भूमिका में आहृत होकर अंतिम में तमाम अनर्थों को काट कर फेंक कर उन निर्गुण भूमिका में आरूढ़ हो जाता है। अर्थात इनके चारों ओर जो मिथ्या भूत हो, जो फॉल्स ये जड़ जगत का वस्तु, इसका रिलेटेड जो मान अपमान सारे, इसका ऊपर असर नहीं फेंक सकता, क्यों, निर्गुण भूमिका की, ये मिथ्या भूत हो वस्तु समूह के द्वारा व्यवहार में जोड़ता नहीं, प्रकृति अपना काम करता है करने दो लेकिन जोड़ता नहीं, और अचिंत शक्ति के द्वारा जब भगवान भक्त के द्वारा उपदेश जब कर उपदेश जब भक्ति का उपदेश, तो ये उपदेश जो भक्ति का उपदेश जो है अर्थात भक्ति देवी कैसे कैसे बद्ध भूमि का मिक्सिंग होता है, इसका बारे में उदाहरण दिया मैंने बहुत पहले, सल्फर अर्थात गांड मेटल के साथ मरकरी का पेशन करते 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 अल्टीमेटली जाके भक्ति का अर्थात मन धीरे धीरे चिन्मय भूमिका में उतार जाते, अचिंत शक्ति के द्वारा ऐसा होता है, भक्ति का अचिंत शक्ति है जो भी है। तो ये माया पार करना कोई आसान बात नहीं है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता,
किसी बाप का हिम्मत नहीं है कुछ चैलेंज करके करे जो मैंने माया को पार कर लिया, ये संभव नहीं है। क्योंकि गीता में भगवान पूरा क्लियरली बता दी, मम माया दुरत्तया, मम माया ये मारा मेरा माया जो है ये पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मम माया दुरत्तया, और एकमात्र संभव है मामी मामी वो जे प्रपद्यन्ते मायामेतम तरंत, मेरा चरण में जो प्रपत्ति स्वीकार करे शरणागत हो जाए, मतलब गुरु वैष्णव का सहारा ले ले, क्योंकि डायरेक्ट भगवान का सहारा लेना संभव नहीं, तब संभव है, हो सकता है। माया रे कोरिया जाए चरण ना जाए, साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय, यही रास्ता है। मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमाय, तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयायो कल्पते वही, मयात्म भूयायो कल्पते वही, मेरा साथ मेरा जैसा साथ धर्म है चिन्मय भूमिका इसमें उतार जाता है, इसीलिए इधर बताया मयात्म भूयायो कल्पते वही, ये मेरा साथ साध धर्म समान धर्म प्राप्ति करने का लायक बनता है। मयात्म भूजा कल्पते वही वही मन में निश्चितमेव, ये हो जाता है। भक्तों साधक दशा से लेकर भक्तों साधक दशा से लेकर धीरे धीरे गुणातीत भूमिका में कैसे जाते हैं, भक्तों साधक दशा से धीरे धीरे गुणातीत तो अवस्था में जाते हैं, इसका बारे में याद है। भक्ति परेशान भव विरक्तिर अन्नत चोईशो त्रिको एक कालहा प्रपद्य मानुष्यो, ये जो श्लोक बताया था पहले इसका चर्चा जरूरी है, पहले किया था बहुत। विश्वनाथ चकोती बात कह रहे हैं क्या मजा, क्या आश्चर्य की बात है, ये भक्तु भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि भक्ति के द्वारा कई भक्तों अगर फूल जल पता कुछ दे दिया गंध पुष्प, ये बाहरी दृष्टि का अनुसार ये मेटेरियल चीज़ें हैं, ये तो महाराज मेटेरियल चीज़ें हैं, और हाँ ये बाहरी दृष्टि में मेटेरियल चीज़ें हैं बहिर्मुख दृष्टि, लेकिन भोग्य दृष्टि के द्वारा बाहरी दृष्टि के द्वारा ये मेटेरियल चीज़ें हैं, लेकिन भक्तों भक्ति के द्वारा जब उपहार देते हैं भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रयच्छति, पत्र पुष्प फल जल श्रक चंदन आदि, तब क्या होता है, भगवान कह रहे हैं मैं ये सब ग्रहण करता हूं। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो जो मैं भक्ता प्रयच्छति तद हम अश्नामी प्रयतात्मनः, बहुत केयरफुली बहुत जतन के साथ बहुत प्रीति के साथ मैं उसको ग्रहण करता हूँ। अब प्रीति के साथ ग्रहण करने का मतलब है भगवान तो मेटेरियल चीज ग्रहण नहीं करे, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है भगवान जब ग्रहण कर लिया वो अमृत बन जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज को विष दिया गया सर्वत, कालकूट विष दिया गया, मीरा को कालकूट विष दिया गया, पी गए हंसकर पी गए, तो इसका मतलब है भगवान को कुछ भी भक्ति के द्वारा अर्पण करो, ऐसा एक कहानी नहीं है, एक कहानी नहीं है प्रैक्टिकल। हमारा जरभर जी महाराज जी के बारे में भी वो कुछ भला बुरा कहता नहीं, तो इसका भाई बंधु जो है बदमाश है, ये इसको क्या करता है, बोले ये गोरु गाधा से भी नीचा है, तो ऐसा करे इसको अच्छा खाना बना देने का क्या दरकार है, तो खैल है, खैल जानते हो गौ माता का भैंस का सामने खोल देते हैं ना, सरसों का खोल, और खोल का साथ खुरा चाल का कूड़ेदानी से कूड़ा उठाया और ये सब करके आग में जलाया, जला के दुर्गंध दूषित, इसको उसका घर में देखा, इसको खा,
लिखा हुआ है भागवत, पिताजी जाने के बाद इसका ऊपर कितना अत्याचार किया, जड़वाद का ऊपर, जड़वाद ने कुछ नहीं किया, जो दिया उसी को ही खा लिया, मैंने खैल का साथ कूड़े दाने में कूड़ा कूड़ा उठाया, उसको जलाया, पानी फानी डाल दिया थोड़ा, उस पर खाने के दिए थे, इतना दुर्गंध दूषित है, जो खाना तो दूर के बाद उधर रहना संभव नहीं है, लेकिन वहां लिखा हुआ है भरत जी जर भरत जी महाराज आराम से खा लिया और खा के अपना पात्र को भोजन पात्र को रख दिया कोने में, और वो लोग क्या किया, कमरे में घुसा तो देखा इतना सौगंध है, इतना चारों महाप्रसाद का सौगंध है, अरे हैरान हो गया है? वो हैरान हो गया कैसे संभव है, चारों ओर से महाप्रसाद का इतना सुंदर खुशबू है, ये असंभव है कैसे, वो लोग सोचा कि ऐसे बनाने से शायद ऐसे बनाने से ये हो सकता कि खुशबू निकलता है तो काल हम लोग भी खाएंगे, जलाने गया तो पागल कुत्ता बन गया। अरे राम राम, ये जरभर जी का प्रभाव है, जरभर जी भक्ति के प्रभाव के द्वारा भगवान को निवेदन किया, भगवान पैजन 20 को भी भगवान को दे दे अमृत बन जाए, अमृत का प्याला बन जाए, ये नियम है। तो विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जी ने व्याख्या की, भक्तों का भक्ति के द्वारा उपहृत अर्थात उपहार जो ठाकुर के दिया जाता है ये हर हालत में अप्राकृत हो जाता है, वो अप्राकृत भूमिका में नहीं रहता, भले ही आप चाल डाल सब बनाया, आप अगर 1 लाख नाम करती हो, अगर आप 1 लाख नाम करती हो, अगर आप 1 लाख नाम करते हो हैं, अगर रसोई करके दिया प्रेम से तभी रसोई करने का अधिकार है, उसका बाद जो ऑफरिंग करने का अधिकार किसका है, जो 1 लाख भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया, जो 1 लाख नाम नहीं करते उसका हाथ में मैं खाता नहीं, 1 लाख नाम पहले बताया लाखेश्वर का हाथ में खाता हूँ, अरे हम तो गरीब है लाखेश्वर कैसे, अरे हम लाखेश्वर किसको बोला, जो 1 लाख नाम करते हैं महाप्रभु जी ने खुला बता दिया। तो ये जो है भक्ति के द्वारा उपहृत उपहार अगर दिया जाए तो हर हालत में ये पत्र हो पुष्प हो फल हो जल हो चंदन हो सारे भोगमय दृष्टि के द्वारा प्राकृत है मेटेरियल है, लेकिन अप्राकृतो दृष्टि के द्वारा भक्तों का भक्ति के द्वारा ये अनुभव में आता है कि जगन्नाथ को जो दिया गया था चाल डाल सब कुछ ये अमृत बन के महाप्रसाद बन के निकाला, ये अनुभव में आना जरूरी है, नहीं हो तो इसका लिए भजन संभव नहीं है। जिसका महाप्रसाद गोविंदो और वैष्णव में विश्वास नहीं है उसको भजन करना ना करने का बराबर है। महाप्रसादे गोविंदे नामई ब्रह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बतानुराजम विश्वास नहीं बजते, है ना, वैष्णव भगवान का नाम भगवान का प्रसाद धाम, इसमें बड़ा कम पुण्य वाले को अर्थात जिसका सुकृति अच्छा नहीं का विश्वास नहीं होती, क्या करे क्या किया जाए, इसका लिए विश्वास नहीं होता है। जो भी है आखिरी श्लोक जो है ये अध्याय का ये बोल के अभी विश्राम देना है कथा का, ये ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृत स्वाभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च, क्या बताया, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृत स्वाभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च, इसका माने क्या है, इसका माने भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया बड़ा सुंदर, लिटरल मीनिंग हम कर रहे हैं, पहले श्लोक का मीनिंग कर रहे हैं, कारण मैं ब्रह्म अर्थात निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा हूं, मतलब आश्रय मैं हूं, मेरे से आता है ब्रह्म ज्योति, अव्यय मोक्षो
मोक्षों का, सनातन धर्मों का, वो एकांतिक सुख का मैं ही एकमात्र सोर्स हूँ, आश्रय हूँ, ये याद रखना। श्रीला भक्तिमोद ठाकुर जी का व्याख्या थोड़ा टच करके छोड़ना है। भक्तिमोद ठाकुर जी बताया यदि अगर कहा जाए ब्रह्म संपत्ति जीवों के लिए सर्व प्रकार का साधन का फल है तो फिर कैसे आप कह दिया कि ब्रह्मभूत व्यक्ति तुम्हारा निर्गुण प्रेम संभोग करता है, ये कैसे संभव? इसका व्याख्या में कह रहे हैं मानो कि ठाकुर जी कह रहे हैं, भक्तिमोद ठाकुर लिखा नहीं है, तो अर्जुन को उत्तर दे रहे भगवान। फिर मैं कह रहा हूं सुनो, हमारा नित्य निर्गुण अवस्था, मैं स्वरूपतः भगवान हूं, हमारा जड़ शक्ति में जो बीज आधान कर देता हूं मैं, ये ततस्था शक्ति चैतन्य बीज का आधान के समय प्रथम फर्स्ट स्टेज, इसका फर्स्ट स्टेज में शक्ति का जो आदि प्रकाश, यही मेरा ब्रह्म स्वभाव है। लेकिन मेरा नित्य ब्रह्म स्वरूप, मेरा जो चिन्मय स्वरूप है, इसको ठुकराओ मत। जड़बद्ध जीव ज्ञान का आलोचना करते करते, ज्ञान चर्चा करते करते जब उच्च अवस्था में पहुंचते हैं तब हमारा ब्रह्म धाम को लाभ करता है। इस समय में वो व्यक्ति जो भजन करने वाले जीव तिनी निर्गुण अवस्था का पहला स्टेज पहुंचता है, निर्गुण अवस्था का पहला स्टेज पहुंचता है। इस निर्गुण अवस्था का पहला सीमा को प्राप्त करने का पहले जरो विशेष का त्याग रूप जे निर्विशेष भाव उपस्थित हो जाता है। आई बात समझ में? ये जो निर्गुण अवस्था का पहला स्टेज, इसका लाभ करने का पहले प्रैक्टिस करने का समय जरो विशेष त्याग, जड़ो विशेष को त्याग करने का एक जो विशेष व्यवस्था है, त्याग रूप एक विशेष निर्विशेष भाव पहले पहुंचता है। इसमें अवस्थित होने से यही निर्विशेषता दूर होके अंतिम में, पहले तो इस अवस्था निर्विशेष अवस्था पहुंचता है, बाकी आगे चलते चलते इसका क्या होता है, निर्विशेष भाव इसका एलिमिनेट हो जाता है। और कम मार्गे जब ब्रह्म ज्योति अंतरे, ब्रह्म ज्योति अंतरे श्याम सुंदर रूप है, बाद में एक क्रमानुसारे धीरे धीरे ग्रेजुअली ज्ञान मार्ग में सनकादि ऋषि ऐसा करते करते निर्गुण भक्ति रूप अमृत लाभ किया है। एक प्रश्न इसका बारे में अगले हफ्ता हम चर्चा करेंगे खुला, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अभी चर्चा करने से समय कम है। जो भी है, अब विशेष रूप में आज ये 14 अध्याय को समाप्त करने का सुयोग आज इधर आ पहुंचा, और इसमें श्रीमद् महाभारती शतसहस्रायम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयो विभाग योग नाम चतुर्दशोऽध्यायः समाप्तः। फॉलो अंतिम जो श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अमृतस्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। यद्यपि हम अगले आने वाले सप्ताह में 15 अध्याय में प्रविष्ट होंगे, फिर भी ये अंतिम श्लोक का थोड़ा चर्चा करने की इच्छा रखते हुए आज समाप्त करते। मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्म
निवेदितात्मा विचिकित्सितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयायो चकल्पते वै वांछकल्पद्रोस्य के बाद सिंधु पतितानं पावन भवैष्णवभ्यो नमो नमः।